नमस्कार दोस्तों, हाउ टू गेट मोर थिंग्स डन बाय मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली। टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी हैक्स, इसके बारे में काफी सारी बातें आपने सुनी होंगी। थाउजेंड्स ऑफ थ्योरी हैं, हंड्रेड्स ऑफ हैक्स हैं, बट कंफ्यूजन कहाँ आता है, क्या करें क्या ना करें, कौन सा हैक मेरे लिए इफेक्टिव है, कौन सा हैक मेरे लिए इफेक्टिव नहीं है। इस वीडियो में आपके मेरे लाया हूं 6, जी हाँ, पूरे 6 प्रोडक्टिविटी हैक्स जो मैंने काफी रिसर्च और काफी अध्ययन के बाद जो है मेरा अपना निष्कर्ष है, अपना रिजल्ट है कि ये 6 आर द मोस्ट इफेक्टिव। कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, कौन सा कम है, इसका ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। तो डिपेंड करता है कि इस समय जो आपकी करंट सिचुएशन है उसमें आपको कौन सा हैक सूट करेगा। मैं आपका दोस्त रवीश मल्होत्रा स्किलिंग के बिहार पे आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। हैक नंबर 1, थिंक ऑन पेपर। जी हां, जो भी आपको कार्य करना है, जितने भी आपके कार्य हैं उस दिन के, उस हफ्ते के, उस महीने के, उन सबको पहले एक पेपर पे लिख लीजिए। जी हाँ, इससे आपको एटलीस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है, एक आगे बढ़ने का तरीका मिल जाता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज थिंक ऑन पेपर, सब कुछ कागज पे लिख लीजिए। अब आजकल तो लैपटॉप का, ऑर्गेनाइजर्स का, मोबाइल का जमाना है, तो मोबाइल पे नोट्स बना सकते हैं आप, लैपटॉप पे नोट्स बना सकते हैं। पॉइंट इज, जो भी आपके टास्क है उसको रिटन फॉर्म में अपने पास रखिए। तो थिंक ऑन पेपर, दैट्स द हैक नंबर 1। हैक नंबर 2, कम फुली प्रिपेयर्ड व्हेन यू स्टार्ट अ टास्क, और बी फुली प्रिपेयर्ड व्हेन यू स्टार्ट अ टास्क। कहने करते हैं आप कोई भी काम करने बैठ रहे हैं, उससे रिलेटेड जितनी चीजें आपको चाहिए, चाहे वो छोटी छोटी चीज हो, चाहे कैलकुलेटर हो, पेन हो, लैपटॉप का चार्जर हो, फोन का चार्जर हो, सब आपकी रीच में होनी चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, उस काम से रिलेटेड, ताकि बार बार आपको उठना ना पड़े, आपका फ्लो डिस्टर्ब ना हो, आपका मोमेंटम ना बिगड़े। तो हैक नंबर 2 इज बी फुली प्रिपेयर व्हेन यू सिट फॉर अ वर्क। हैक नंबर 3, द आर्ट ऑफ प्रायोरिटाइजिंग। जी हाँ, आपने लिस्ट तो बना ली, कौन सा काम जरूरी है, कौन सा काम जरूरी नहीं है, कौन सा काम ज्यादा जरूरी है, कौन सा काम कम जरूरी है। There is a 80-20 rule that goes into the market. कभी कभार 70-30 हो जाता है, कभी कभार 90-10 हो जाता है। कहने का अर्थ ये है, आपके 20% of the task आपको 80% result देंगे, और वही आपकी 80% of the energy फिर consume भी करने चाहिए। Depending from day to day, month to month, ये 80-20, 90-10 हो जाएगा, 70-30 हो जाएगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा टास्क प्रायोरिटी में है, किसको पहले करना है, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। हैक नंबर 4, द सलामी स्लाइस मेथड। मतलब सलामी अगर आप लोगों ने अभी खाई है, कभी ट्राई करी है, या कोई बड़ा बर्गर खाया, तो आप पूरा एक बारी में नहीं खा पाते ना। तो इसी प्रकार से कोई भी टास्क अगर आपको दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, आपको फिजिकली मेंटली बहुत बड़ा लग रहा है, तो कोई भी एक एंड पकड़ के ना उसको स्टार्ट कर दीजिए, आपका एक मोमेंटम बन जाएगा। वो मोमेंटम फिर आपको वो टास्क की तरफ अपने आप लेके जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि एक बहुत बड़ा टास्क है, तो उसको 2 या 3 छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लीजिए, और देन फिर काम करना उस पर शुरू करिए, तो वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा, या उसमें माइलस्टोन बना लीजिए। दिस इज कॉल्ड द सलामी स्लाइस मेथड। आते हैं हैक नंबर 5 पे, द पंच होल इन टास्क। जी हाँ, पंच होल से मतलब है मेरा उस टास्क को काफी सारे टास्क में ब्रेकअप कर लीजिए, उसके माइलस्टोन बना लीजिए, उसको आगे पंचॉन कर लीजिए। मान लीजिए आपको एक बुक लिखनी है, आपको पूरी बुक एक साथ लिखने में दिक्कत हो रही है, एक पेज रोज का लिखिए, तो मोमेंटम बन जाएगा, तो पूरे एक साल में आपकी एक बुक तैयार हो जाए। जब भी चांस मिले, मान लीजिए कोई बड़ा टास्क है जिसको स्टार्ट करने में आपको दिक्कत आ रही है, अगर आपने उसको 15 या 20 छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लिया, या उसके चैम्बर्स बना लिए हैं, तो जहां मौका मिले, जैसे मौका मिले, स्टार्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करना, बट 1 घंटा आपको एट अ स्ट्रेच नहीं मिल रहा है, तो मैं कहता हूं उससे बेटर
ये भी है एक चीज कि आप 10-10 मिनट करके 6 बार एक्सरसाइज कर ले दिन में, जब जितना मौका मिले। अब आप कह रहे हैं कि आइडियल रिजल्ट हो सकता है उसमें ना मिले, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग नो। सो द पंच होल हैक, काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके आगे बढ़ी। लास्ट एंड हैक नंबर 6, डू द टास्क दैट गिव्स यू मोर एंजाइटी और मोस्ट प्रेशर फर्स्ट। जी हाँ, ईट द फ्रॉग। तो सबसे मुश्किल काम है आपके हिसाब से, जो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है, जो आपको सबसे ज्यादा माइंड स्पेस ले रहा है, उस काम को पहले करके खत्म कर दीजिए। 50% ऑफ द डेली प्रोडक्टिविटी आपकी ऐसे बढ़ सकती है अगर आपने ये मेथड इंप्लीमेंट कर दिया तो। ऑलवेज रिमेम्बर, स्टार्ट विद द एंड इन द माइंड। कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट, देखिए लाइफ पूरी एक प्रोजेक्ट की तरह है, आपके टास्क पूरे प्रोजेक्ट की तरह है। कोई भी टास्क आप स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको पहले ही विजुअलाइज कर लीजिए कि वो खत्म होगा तो कैसे लगेगा, वो आइडली कैसा होना चाहिए, उसका रिजल्ट जब अनाउंस होगा तो आपकी क्या फीलिंग आएगी। तो वो फीलिंग, वो एंड इन माइंड आपको टास्क के एंड की तरफ लेकर जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपसे पूरे 6 पूरे 6 हैक शेयर किए। मैं एक बार उनको फिर से रिपीट कर देता हूं। हैक नंबर 1, थिंक ऑन पेपर। जो भी आपको टास्क करने हैं डे के हिसाब से, हफ्ते के हिसाब से, उसको लिख लीजिए। हैक नंबर 2, बी फुली प्रिपेयर्ड व्हेन यू स्टार्ट अ टास्क। हैक नंबर 3, द 80-20 रूल और द प्रायोरिटाइजेशन, द आर्ट ऑफ प्रायोरिटाइजिंग। हैक नंबर 4, द सलामी स्लाइस मेथड। एक बड़े टास्क को 2 या 3 टास्क में डिवाइड कर लीजिए ताकि एटलीस्ट आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए, मोमेंटम मिल जाए। द पंच होल मेथड, टास्क को काफी सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। एक साथ करने में दिक्कत आ रही है तो थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करिए, एटलीस्ट आप कहीं तो आगे उसमें बढ़ पाएंगे। हैक नंबर 6, डू द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ऑफ द डे और द टास्क दैट गिव्स यू मोस्ट एंजाइटी फर्स्ट। तो आपकी 50% प्रोडक्टिविटी हो जाएगी और आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी ये करने के बाद आएगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक बटन को प्रेस करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में आप हमें लिख के बता सकते हैं कि आप और किस प्रकार के वीडियो देखने हैं, आप और किस प्रकार के कंटेंट हमसे चाहते हैं। देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। फिर मिलेंगे आपको एक और वीडियो में। धन्यवाद।